चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे आप मानवता का दुश्मन भी कह सकते हैं। हर तरह के डुप्लीकेट सामान बनाने वाला चाइना, कभी नकली अंडे, कभी नकली चावल, तो कभी नकली पत्ता गोभी, हर तरह के नकली चीजों को बनाकर मार्केट में बेचता रहता है। लेकिन न जाने क्यों चाइना को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने नकली सूरज को बनाने की कोशिश में अपनी जी जान को लगा दिया। और दुनिया तब हैरान रह गई जब पिछले ही सप्ताह चीन नकली सूरज बनाने में सफल भी हो गया। एक ऐसा सूरज जिसका तापमान सूरज से भी 10 गुना ज्यादा है, यानी जिस सूरज को आप सदियों से सुबह उगता हुआ और रात के वक्त अस्त होता हुआ देखते आ रहे हैं, उससे भी अधिक ताकत रखने वाला एक आर्टिफिशियल सूरज को बनाया जा चुका है चीन के द्वार। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चाइना को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या ये नकली सूरज भी हर सुबह उदय होगा और शाम को अस्त हो जाएगा? क्या सूरज के द्वारा चाइना पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है? आखिर चाइना इस नकली सूरज को बनाकर दिखाना क्या चाहता है? ये सभी सवाल ऐसे हैं जो आप में से हर किसी के मन में रेंग रहे होंगे, और आज के वीडियो में हम आपको चाइना के द्वारा किए गए इस अजीबोगरीब खेल के बारे में हर एक पहलू को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लेकर खाने की चीजों तक नकली बनाने वाला चाइना आखिर नकली सूरज बनाने में कामयाब कैसे हुआ, क्यों हुआ और मकसद क्या है। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक ऐसा देश है जो न जाने क्यों विस्तारवाद की नीति पर चलता है। एक ऐसा देश जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। एक ऐसा देश जो धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज पर कब्जा करके लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है। यही वजह है कि चीन आए दिन कोई ना कोई ऐसी खोज या फिर कोई ना कोई ऐसी खुराफात करता रहता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाह चीन पर आकर अटक जाती है। हाल ही में पूरी दुनिया को परेशान करने वाला कोरोना वायरस भी चीन में ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से अब तक पूरी दुनिया में न जाने कितने लाख लोगों की मौत हो गई। लेकिन हाल ही में जब चीन ने गजब का दावा किया, जिसके तुरंत बाद ये पूरी दुनिया की एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। दरअसल चाइना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। चाइना ने हमारे आसमान में मौजूद सूरज से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली नकली सूरज तैयार कर लिया। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि ये नकली सूरज ना तो कभी उदय होगा और ना ही कभी अस्त होगा। इसे अपने हिसाब से जरूरत के अनुसार प्रयोग में लाया जाएगा। ये नकली सूरज एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज है जिस पर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आंधी, ना तूफान, ना बारिश के मौसम का। यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज जिससे हर वक्त अपनी जरूरत के अनुसार रोशनी और सौर ऊर्जा हासिल की जा सकेगी। अब ये सब जानने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारे आसमान में पहले से एक ताकतवर सूरज मौजूद है, तो इसके बावजूद भी चीन को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? आखिर इस नकली सूरज को बनाने के पीछे कहीं चीन की कोई भयंकर साजिश तो नहीं? चीन ने जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, कहीं एक बार फिर से वो कोई नई मुसीबत तो नहीं ला रहा? दोस्तों, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही काम की होती है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा की मदद से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि सूरज की गर्मी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भर के लोग सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने साल 2006 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। चाइना ने अपने इस खतरनाक प्रोजेक्ट का नाम रखा था ईस्ट। और आप तो जानते ही, चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो हमेशा ऐसे कारनामे करता रहता है जब तक पूरी दुनिया में किसी ने ना किया हो। यही वजह है कि लगभग 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद चाइना ने आखिरकार नकली सूरज को तैयार कर ही लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने सिर्फ और सिर्फ नकली सूरज बनाने का दावा ही नहीं किया है, बल्कि उस नकली सूरज से 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी उत्पन्न किया। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि यह तापमान असली सूरज से निकलने वाले तापमान से भी 10 गुना अधिक है। चाइना के इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो धरती का इकलौता ऐसा देश बन गया जो इतने अधिक मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा कर पाएगा। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि चाइना के उस एक्सपेरिमेंट में 2 मिनट के बाद तापमान 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस वीडियो में जो आपको एक बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है, ये वही मशीन है जिसकी मदद से चाइना ने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को किया था। अब आप सभी के मन में एक और सवाल आ रहा होगा,
कि चाइना को आखिर इतनी अधिक ऊर्जा पैदा करने की जरूरत क्या पड़ गई। जब हमारे आसमान में मौजूद सूरज से इतनी अधिक ऊर्जा आती है तो उससे बचने के लिए हमें एसी कूलर न जाने क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सूरज से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली सूरज बनाने का मकसद क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आर्टिफिशियल सन बनाने का सपना साल 1985 में ही 35 देशों ने मिलकर देखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नकली सूरज को बनाने वाले प्रोजेक्ट में जो 35 देश शामिल थे उसमें अपना भारत भी था। इन सभी देशों ने मिलकर प्लान किया था कि फ्रांस के पेरिस में उस आर्टिफिशियल सूरज को तैयार किया जाएगा, लेकिन अफसोस आज से लगभग 35 साल पहले देखा गया ये सपना आज भी अधूरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने की चाहत रखने वाला चाइना इस प्रोजेक्ट पर गुपचुप तरीके से काम करता रहा और आज पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन ही अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, फ्रांस भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि फ्रांस का प्रोजेक्ट साल 2025 में पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा साउथ कोरिया भी बिल्कुल ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। साउथ कोरिया ने 20 सेकंड के लिए अपनी नकली सूरज की मदद से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट किया। लेकिन एक बात तो आज हमें माननी पड़ेगी कि जिस दौर में पूरी दुनिया के कई देश शामिल हैं, उसमें चीन ने बाजी मार ली। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो एक लंबे समय से पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। वो हर मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहने का ख्वाब देखता है। यही वजह है कि वो दुनिया भर के देशों को पहले कर्ज देता है, उसके बाद उसकी जमीन को हड़प लेता है। लेकिन हाल ही में चाइना ने जो प्रोजेक्ट पूरे किए हैं उसके बाद से तो उसका दबदबा कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट से चाइना अपनी ऊर्जा जरूरतों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए। भले ही आज के वक्त में आपको सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा की वजह से एसी में रहने की जरूरत पड़ती है और कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसमान में मौजूद सूरज की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस बात की पुष्टि बहुत साल पहले कर दी थी। नासा ने कहा था कि हमारे आकाश गंगा में मौजूद दूसरे तारों की तुलना में सूर्य बहुत ही तेजी से कमजोर होता जा रहा है, और अगर ऐसा जारी रहा तो वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा जब इस पृथ्वी पर फिर से आइस एज यानी हिमयुग शुरू हो जाएगा। ऐसे में नकली सूरज की खोज से काफी उम्मीदें की जा सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज चाइना नकली सूरज बनाने में तो लगभग सफल हो ही चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वही चाइना नकली चांद को बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है। और बहुत ही जल्द हमें ये खबर सुनने को मिलेगी कि चाइना ने नकली चांद को भी तैयार कर लिया है। चाइना ने बताया है कि नकली चांद बनाने के बाद उसे आसमान में सैटेलाइट की तरह स्थापित कर देगा और उसकी पोजीशन इस तरीके से रखी जाएगी कि उससे निकलने वाली रोशनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रात का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, आने वाले वक्त में वो रात भी शायद हमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि उस नकली चांद की वजह से इस दुनिया में कभी अंधेरा ही ना हो। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि चाइना अपने इस प्रोजेक्ट को साल 2022 तक पूरा कर लेगा। खबरों के मुताबिक चाइना जो नकली चांद को तैयार कर रहा है वो एक खास शीशे की मदद से बनाया गया एक बेहतरीन उपग्रह होगा, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और उस सूरज की रोशनी को कई गुना तक बढ़ाकर वो नकली चांद हमारे पृथ्वी पर वापस भेजेगा। चाइना का कहना है कि जब उस चांद से हमारी पृथ्वी पर जो रोशनी आएगी वो रोशनी इतनी अधिक होगी कि शहर के किसी भी कोने में स्ट्रीट लाइट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और, चाइना सिर्फ एक नकली चांद को नहीं बल्कि एक साथ 3-3 नकली चांद को लॉन्च करेगा। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब तक आपको इस बात का पता चल गया होगा कि चाइना के द्वारा जो नकली सूरज को तैयार किया गया है उसे बनाने का मकसद क्या है। अब तक तो आप सब नकली अंडे, नकली चावल और नकली सब्जियों से परेशान होते आए हैं। कुछ वक्त बाद हो सकता है आपको नकली चांद और नकली सूरज की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? आपको क्या लगता है कि नकली चांद और नकली सूरज बनाने के बाद हम इंसानों को उससे कोई फायदा होगा या भारी तबाही आएगी? आप अपनी राय कमेंट में देना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।